लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वीडियोस को पॉपुलर कैसे किया जाए और किस तरीके से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, तो इसके बारे में प्लीज अपने थोड़े व्यूज शेयर। इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च करके बड़े अच्छे से स्टडी करके उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारी। आज जो टाइम, जो दौर चल रहा है, ये इंसान की दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, सबसे अच्छा और बेस्ट दौर। नमस्कार दोस्तों, आजकल काफी लोग YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं जी। इनफैक्ट YouTube जो है सर, एक सर्च इंजन बन गया है जी। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वीडियोस को पॉपुलर कैसे किया जाए और किस तरीके से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, तो इसके बारे में प्लीज अपने थोड़े व्यूज शेयर कीजिए। ये सच बात है कि यूट्यूबर वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, देखा जाता है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, जानकारी इसके ऊपर है। लेकिन सुसम, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर हम कोई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, कोई बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बहुत रिसर्च करके बड़े अच्छे से स्टडी करके उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उसके ऊपर 200-300-400-500 व्यूज और 500-400 सब्सक्राइबर पे आके वो रुक जाती है। लेकिन मैं हैरान होता हूं, अब पंजाबी के कई गाने हैं कि एक गाना एक दिन रिलीज हुआ और अगले दिन पता लगता है जी 1,00,000 व्यूज हो गए, 2 दिन में 3 दिन में 5,00,000 व्यूज हो गए। मुझे इतने तो पंजाबी पूरे मतलब की एरिया में नहीं होते, क्या सबने काम काज छोड़ दिया, क्या सबने खाना पीना छोड़ दिया, सारे सिर्फ उसी वीडियो को देख रहे हैं, क्या इवन अस्पताल में भी जो पड़े हुए हैं वो भी उसी वीडियो को देख रहे हैं। अगर उन सबको भी ले लें तो भी इतने मतलब की मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। लेकिन वीडियो का पर्पज है अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारी। आज जो टाइम, जो दौर चल रहा है, ये इंसान की दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, सबसे अच्छा और बेस्ट दौर है। इससे पहले इतनी जानकारी इतनी इजीली कहीं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन नई जनरेशन, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बहुत सारे बच्चे, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ मौज मस्ती, गाने, कुछ शरारती कंटेंट होता है जिसमें थोड़ा सा मजाक नॉटी नेचर का होता है, जो उस तरह का बनाते हैं और सिर्फ वही चीजें देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर सीरियस अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं, जेन्युइन लाइक्स, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, तो जेन्युइन लाइक्स चाहे थोड़े मिले, आप उस वो चीज बनाइए। अगर सिर्फ व्यूअर्स चाहिए तो मुझे अब तकरीबन हमारी 250 वीडियोस हैं, लेकिन सब्सक्राइबर व्यूअर्स बड़े लिमिटेड से हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप जरूर ये वीडियो सबके साथ शेयर करें कि इसमें हमने तकरीबन जिंदगी में लाइफ से जुड़े हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो और मतलब कि मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं जी आप थोड़ा सा इसमें हंसी मजाक के कोई जोक्स की वीडियो कुछ इस तरह की बना दो तो आपको लाखों सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। अब अच्छी जानकारी, अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए लोग लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च करके पढ़ाई करते हैं या कुछ है, उस चीज को और बेहतर लाइफ में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं इस चैनल के थ्रू। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने चैनल को सिर्फ अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्वालिटी कंटेंट पे फोकस कीजिए, और सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए तो फिर थोड़ा सा आप मस्ती, मौज मस्ती के लिए कुछ भी वीडियोस बना दीजिए, विद इन डेज आपको हजारों लाखों व्यूज मिल जाएंगे। बाकी प्रमोशन के लिए तो सोशल मीडिया है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, उनको ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसी के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी वीडियो में जो कंटेंट हमने बनाया है वो कितना यूजफुल है, वो देखने वाले की लाइफ को कितना प्रभावित करेगा, कितना उसकी लाइफ में चेंज ला पाएगा, कितना वैल्यू एडिशन दे पाता है। तो मेन चीज ये देखने वाली है कि जो कुछ भी बनाओ, जो कुछ भी लिखो,
जो कुछ भी बोलो तो उस पे तालियां बजनी चाहिए। कम लोग देखें कोई बात नहीं, तो मेरे तो ये सुझाव है सुन साहब। एग्री विद यू, इट हैज टू बी जनरल लाइक क्वालिटी कंटेंट। यू सी एक जनता के साथ मत जाइए दोस्तों, दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू। आपका निश है, आपका ओन टारगेट सेगमेंट है, आप उसी को टारगेट कीजिए, उसी के रिलेटेड वीडियोस बनाइए और ग्रेजुअली अपने व्यूज बनाइए। और ये जो गूगल है ना, ये पैरालाइज बहुत करता है। अगर आप जबरदस्ती के पेड लाइक्स लेके आते हैं, गूगल बहुत ज्यादा देखेंगे। स्लोली स्लोली लेट्स गेट तो सिर्फ इसलिए सब्सक्राइबर के पीछे मत भागो, व्यूअर्स के पीछे मत भागो कि मुझे 1 लाख व्यूज चाहिए, मुझे 2 लाख व्यूज चाहिए, मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, उसके पीछे मत भागो। क्वालिटी कंटेंट में जरूर थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो भी चीज बनेगी बहुत कमाल की बनेगी। जेन्युइन दोस्त जो जुड़ेंगे आपके साथ वो हमेशा के लिए जुड़ेंगे, और इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियोस भी जरूर पॉपुलर होंगे। मेरी इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आई है तो जरूर आप शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये चैनल जॉली अंकल, उम्मीद है इसी तरह हम आगे भी आपकी हेल्प करेंगे, गाइड कर पाएंगे। थैंक यू।